दानिश अली जी, पहला आपका संबोधन है, स्वागत है आपका। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे 17वीं लोकसभा के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहां बोलने खड़ा हुआ हूं और एक नया सांसद होने के नाते मैं अपने आप को गर्वांतित महसूस कर रहा हूं कि जब इस देश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का ये वर्ष है, उस वक्त मुझे इस सदन में आने का मौका मिला है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार के कामों की जो चर्चा की और जो लक्ष्य रखा है, उसको बड़े गंभीरता पूर्वक तरीके से हम सब सदस्यों ने सुना। लेकिन जो कुछ इश्यूज इसमें आए हैं, अब जो खुशी है इस बात की कि सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के अभिभाषण में नारायण गुरु का भी जिक्र किया। मैं उस पार्टी से आता हूं, बहुजन समाज पार्टी से, जिसके किसी भी कार्यक्रम में, जिसके हर नेता के मंच पर और घर में जब से पार्टी की स्थापना हुई है कि नारायण गुरु का फोटो तस्वीर जो है हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में, हर नेता के घर में, हर कार्यक्रम में नारायण गुरु की तस्वीर जो है हमेशा से लगाई जाती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सत्ता में बैठे हुए पक्ष के लोगों की निगाह केरला पर है, इसलिए वो अभिभाषण में लिखते हुए भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नारायण गुरु जो केरला से आते हैं। मैं नहीं समझता कि सदन में आने वाले लोगों को ये पता नहीं होगा कि नारायण गुरु किस राज्य से आते। मैं जो सरकार ने जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की आमदनी दुगना करने की बात की गई, अगर मैं ये कहूं एक स्वयं किसान होने के नाते कि किसान इस देश का किस कठिनाई से गुजर रहा है, कितनी आत्महत्याएं देश के किसान रोजाना करने पर मजबूर हैं, और हम लोग यहां बैठ करके, इस सदन में बैठ करके खाली किसानों के बारे में एक लिप सर्विस करके चले जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बहुत ढोल पीटा गया पिछले कई साल में, लेकिन अगर मैं एक किसान की भाषा में कहूं तो ये फसल बीमा योजना सिर्फ मरते में 2 लात और मारने का काम करने वाली योजना साबित हुई है। सभापति महोदय, जब किसान क्रॉप लोन लेने जाता है बैंक के पास, तो उस वो जितना क्रॉप लोन लेता है, जितनी जमीन वो अपनी मॉर्गेज कराता है, उसके हिसाब से, उसकी जमीन के हिसाब से उसकी फसल का बीमा कर दिया जाता है। वो क्रॉप लोन पे इंटरेस्ट तो देता ही देता है, इस फसल बीमा योजना के नाम पर भी उससे वसूली की जाती है। लेकिन जब किसान की फसल नष्ट होती है तो फसल बीमा करने वाली कंपनियां कहीं नजर नहीं आती, किसी किसान को बीमा नहीं मिलता। तब कह दिया जाता है
कि अगर 50% से ज्यादा उस ब्लॉक के अंदर तहसील के अंदर फसल नष्ट हुई है तब आपको बीमा मिलेगा। और हम जानते हैं, ईमानदारी से यहां बैठे हुए सभी सदस्य जानते हैं कि किस तरीके से सर्वे होते हैं। क्या लेखपाल, क्या ले, पढ़ लीजिए हो गया है। लेकिन गणेश भाई जरा ये बताइए कि लेखपाल और तहसीलदार, लेखपाल और तहसीलदार हर राज्यों में उन फसल बीमा करने वाली जो कंपनियां हैं, आपके अधिकारी जब तक उसकी मानक वहां तक नहीं पहुंचाते कि किसानों को बीमा की राशि मिल जाए, इस पर कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सच्चाई है, आप लोग सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, आप लोग सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। किसान को कोई बीमा नहीं मिलता, मरते में 2 लाख और मारने का काम किया है। केवल जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, बहुराष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनीज, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये फसल बीमा योजना इस देश में लागू की गई है।